नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस हमारे इस क्लासेस में। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज एडवांस एक्सेल की वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में। हम प्रोग्रामिंग में बात करेंगे सीट इवेंट की, और हरीश जी और विजय जी दो लोग मेरे साथ हैं। चलिए हरीश जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम बात करेंगे सीट प्लानिंग। इससे पहले क्लासेस में हमने बात की थी वर्कबुक हैंडलिंग के बारे में, किस तरह से हम वर्कबुक को हैंडल करते हैं। और आज हम बात करेंगे सीट की हैंडलिंग में, कि सीट को कैसे हैंडल करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं चलिए तो स्टार्ट कुछ करते हैं। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारे पास चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है वर्कबुक, तीसरा होता है वर्कशीट और चौथा होता है रेंज। तो हम वर्कशीट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हर सीट के दो नाम होते हैं, हर सीट के सर दो नाम होते हैं, एक प्रॉपर्टी नेम और दूसरा कैप्शन नेम। जैसे कि आपको यहाँ मान लीजिए कि मैंने सीट वन को कर दिया, मान लीजिए डेटा कर दिया, तो डेटा इज द कैप्शन नेम, और यहाँ प्रॉपर्टी नेम जाएंगे तो सीट वन प्रॉपर्टी नेम। तो कैप्शन नेम को यूजर इजीली चेंज कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी नेम को चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो जो है सिर्फ चेंज करेगा प्रोग्राम, प्रॉपर्टी बार में जाके, प्रॉपर्टी बार में जाके हम यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। अच्छा तो ओके कैसे कॉल करेंगे, मैं किसी सीट पे मुझे अगर जाना हो तो कैसे जाएंगे, क्या क्या सिचुएशन रहेगी, आज हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीट्स, और सीट्स पे मैंने दे दिया सीट, पहले से कैप्शन नेम, प्रॉपर्टी नेम बोलते, सॉरी प्रॉपर्टी नेम, ये हमारा सिलेक्ट। दूसरा है सीट्स, इसके अंदर डेटा कैप्शन नेम डॉट सिलेक्ट। ओके है सीट्स वन सेलेक्ट या एक्टिवेट, दोनों कर सकते हैं। और एक्टिव से सीट तो आपको पता ही है कि एक्टिव सीट होता है। ओके, ये चार मेथड है किसी सीट को कॉल करने का। तो सबसे पहले समझते हैं ये हमारा प्रॉपर्टी नेम है, जो कि प्रॉपर्टी का नेम है। मान लीजिए मैं डेटा को चेंज करके, मान लीजिए मैं कर देता हूँ डी टी, तो अब यहाँ पे सीट वन डॉट डी टी, सीट वन डॉट सिलेक्ट नहीं, डी टी डॉट सिलेक्ट होगा, और सेलेक्ट डॉट एक्टिवेट। ओके, तो प्रॉपर्टी चलते हैं। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलते हैं, कब चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास, मान लीजिए तो जब आपका सीट का नेम बार बार चेंज हो रहा है, मतलब कैप्शन नेम जो है अगर हर कोई चेंज कर रहा है, मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि आपका जैन डेटा होगा, मान लीजिए आपका जैन डेटा है, अगले महीने फैब डेटा हो जाएगा, मार्च डेटा हो जाएगा, जैन फैब मार्च हो जाएगा, मैं हर आपका सीट वही रहेगा बट विल बी नाम विल बी चेंज द इन फ्यूचर, तो उस केस में ओके उसका कैप्शन नेम चलेगा, क्योंकि कैप्शन नेम को यूजर चेंज नहीं कर सकता, उसको प्रोग्रामर ही चेंज कर सकता है। ठीक है, डाउट सर इसमें। यानी प्रोग्राम ये वीबीए कोड से ही चेंज कर सकते हैं हम या नहीं, उसको मतलब ब्लॉक कि उसको इसके लॉक कर लिए दें। वी, इसके लिए आपको वीवीई का एडिटर का एक्सेस होना चाहिए, एडिटर को लॉक किया जा सकता है, मतलब कि आम ओके चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है ना, उसको जो जब भी करेगा तो प्रोग्रामर ही करेगा। ओके
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने अगर शीट का नाम दे दिया तो वही फिक्स रहेगा, हाँ शीट डेटा सिलेक्ट। हाँ क्योंकि आप वो चेंज कर, मान लीजिए डेटा के कल के डेट में आपके प्रोग्रामर ने चेंज कर दिया, डेटा की जगह पे कर दिया फैट, ठीक है, तो अब आपका ऊपर वाला कोड तो वर्क करेगा क्योंकि फैट उसका कैप्शन, बट ये आपका डीटी मतलब कि आपका नेम ओके है, ठीक है ना, तो ये आपका वर्क करेगा बट ये वर्क नहीं करेगा। तो आप लगता है कि ये फ्यूचर में इसके नेम चेंज हो सकते हैं तो आप इसका यूज ना करें, इसका यूज करें। समटाइम हमारा नेम फिक्स रहता है, नेम जो समरी है वो समरी ही रहेगा, लेकिन वो डिलीट हो सकता है सीट। मान लीजिए कि मैंने फैट को डिलीट कर दिया और फिर एक नया सीट लिया, उसका नाम मैंने फैट दे दिया, समझे। डाट आपका नेम सेम होता है, डेटा समरी रिपोर्ट ऐसे फिक्स नेम है, बट सीट डिलीट होता है और नया सीट इंसर्ट होता है, तो उस केस में क्या करेंगे कि उस केस में हम उस केस में हम सीट का कैप्शन नेम लेके चले, क्योंकि जैसे सीट डिलीट होगा तो उसका प्रॉपर्टी नेम ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, नया ऐड करेंगे तो नया प्रॉपर्टी नेम अलग होगा। मतलब इन शॉर्ट समझिए कि जब आपका सीट नेम फिक्स नहीं है, बार बार चेंज हो रहा है बट सीट फिक्स है, तो आप उसकी कैप्शन नेम नहीं प्रॉपर्टी नेम से चले। जब आपका सीट फिक्स नहीं है बट नाम फिक्स है तो आप उसकी कैप्शन नेम से चले, और दोनों से कुछ फिक्स ना हो तो सीरियल नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पे सीट वन कर दिया तो पहला पोजीशन डेटा पे जाएगा, पहले नंबर की सीट। अगर मान थ्री को कर दिया तो पहले नंबर की सीट आपका सीट थ्री रहोगे, जो पोजीशन पहला नंबर होगा वो आपका इसके अकॉर्डिंग चलेगा, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। सीट तो पता ही, एक्टिव सीट क्या होती है, तो सीट के कॉलिंग में तौर में चारों चारों कॉलिंग में तरफ संबंध आ गया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या प्लीज? ये प्रॉपर्टी नेम है, एक कैप्शन नेम है, ये हमारा सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग चलता है, और ये हमारा एक्टिव सीट रहता है। प्रॉपर्टी नेम यानी हम जो भी प्रॉपर्टी नेम शीट का नेम चेंज करें तो वो प्रॉपर्टी नेम हो जाएगा। नहीं, प्रॉपर्टी नेम जो यहाँ प्रॉपर्टी में दिख रहा है, इसका है प्रॉपर्टी वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है। जब सीट की देखें तो आपको एक नेम है, उसको ब्रैकेट में नेम है, जो ब्रैकेट में नेम है दैट कैप्शन नेम, जो ब्रैकेट से है प्रॉपर्टी नेम है। इसको चेंज करने के लिए बीच में बेसिक एडिटर का एक्सेस चाहिए, और कैप्शन नेम तो बाहर कोई भी चेंज कर सकता है, कैप्शन ठीक है। नेम डेटा है। समझ में आ गया चारों बता। ये थर्ड जो उस पे है, शीट ब्रैकेट में वन लिखा हुआ है और ऊपर शीट्स के ब्रैकेट में डेटा था, चलो कैप्शन है, समझ में आ गया वो, और नंबर उसको करंट शीट को सीरियल सिलेक्ट नंबर, पहला नंबर सीट, दूसरा नंबर सीट, तीसरा नंबर सीट, ये देखिए ना पहले करूँ। में कौन सा शीट थ्री है, शीट थ्री को एक्टिवेट कर। अगर मैंने यहाँ पे दो कर दिया तो आप डेटा शीट को एक्टिवेट करें, अच्छा तो पोजीशन के हिसाब से जो पहला है वो पहला, दूसरा दूसरा, दूसरा तीसरा तीसरा, ठीक। ठीक है। और एक्टिव सीट जो एक्टिवेट है। हाँ वो ठीक। अब चलिए कुछ सीट्स के ऊपर हम काम करते हैं, जैसे कोई सीट को ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे सीट्स डॉट सीट ऐड हो गया, ऐड की गई सीट को मुझे रिनेम करना है। हमें पता है जो सीट ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है, जैसे कि फाइल हुआ था, तो आप लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए कि जैन दिया, लेकिन मुझे इतना पता है कि जैन नाम का ही सीट लेना है, तो आप क्या करेंगे, सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू।
ओके कोई डाउट किसी को नहीं इसमें भी लाल में क्या करना है अपने शीट ऐड करी एक्टिव एक शीट ऐड किया मैंने शीट ऐड किया उसके बाद नेम चेंज किया लेकिन मुझे नेम चेंज कर दे नेम के साथ ही शीट चाहिए तुम डायरेक्ट हम लिख दीजिए जैसे मैंने वर्कबुक में किया था अच्छा जैसे फाइल का मैंने कि आपने फाइल ऐड करने में सेव एज किया था फाइल के ऐड करते ही साथ ही सेव एज कर दिया था दूसरा है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए मुझे शीट्स ऐड किया हमने शीट्स ऐड तो कहाँ ऐड होगी तो जो शीट एक्टिव होगी उससे पहले ऐड होगी जैसे डेटा शीट एक्टिव है तो डेटा से पहले आएगी ओके ठीक है हेलो जी उड़ान से बांग्ला पढ़ने तो आ गया कल आईपीटी कहाँ से आया हुआ है मास्टर मॉल पटना से आया हुआ है क्या नहीं वो तो ऑर्डर कैंसिल हो गया था ना हाँ वैसे वो उन्होंने गलत पार्सल भेज दिया था मुझे तो फोन करके बोला कि रिसीव मत कीजिएगा तो अब जैसे मान लीजिए कि मुझे सीट ऐड करना है सबसे लास्ट में या कोई पोजीशंस में सीट डॉट ऐड उसके बाद यहां देखिए बेस में बिफोर आफ्टर आता है तो मैंने बोला सीट टू से पहले सीट्स और यहां पे मैं सीट टू कर दूंगा या फिर सीट का नेम डालने का मेथड इस चारों में से कोई एक हम कर सकते हैं तो ये बिफोर हुआ अगर मैं आफ्टर करूं तो कॉमा लगा देता हूं तो ये आफ्टर हो जाएगा बिफोर स्किप हो जाएगी ब्लैंक छोड़ दिया तो स्किप हो जाएगी या फिर एक और तरीका रहेगा कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं आफ्टर और यहां पे कॉलन इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता हूं तो सीट के बाद ऐड होंगे लेकिन मुझे सबसे लास्ट में ऐड करनी है तो जैसे कि मैंने बताया कि हम नंबर भी डाल सकते हैं तो तीन सीट है सॉरी यहाँ पे थ्री कर देता हूँ तो थ्री के बाद ऐड होगा लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मैं सीट में तीन ही सीट हो चार पांच छह भी हो सकते हैं तो ये ठीक है जगह पे आप सीट्स डॉट काउंट कर सकते हैं अच्छा ठीक है कॉमा कर दिया तो बिफोर स्किप हो जाएगा और आफ्टर पे चला जाएगा और आफ्टर हो जाएगा करते हैं आप ठीक है कंफ्यूजन है तो जो यहां लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट यहां दीजिए और सेमी कॉलन कॉलन इक्वल कर दीजिए तो अपना बोल्ड हो जाएगा सर बोल्ड है ना तो उसी पे जा रहा है
दीजिए बिफोर बोल्ड है और मैं यहाँ पे आफ्टर लिखता हूँ और यहाँ पे कॉलन एंड इक्वल करता हूँ। तो हाँ मतलब सिंटैक्स है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ सिंटैक्स ये है। तो स्पेस देने के बाद बिफोर बिफोर डीएक्टिवेट हो जाएगा। और भी है कि आप कितने शीट ऐड कर रहे हैं आपको, तो यहाँ पे काउंट भी है, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के हमारे लिए कॉमा काउंट इक्वल कर दीजिए 5, तो एक साथ ही 5 शीट ऐड हो करेगा। ओके ठीक है ओके। तो शीट को ऐड करना और रिनेम करना आपने सीख लिया। अब हम बात करते हैं शीट को डिलीट करना। जैसे आपको शीट और डिलीट कर दिया तो ये डिलीट का कोड चलेगा ना, तो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि डिलीट करते समय आपसे कंफर्मेशन पूछेगा। आप चाहते हैं कि पॉपअप ना आए, पॉपअप आप नहीं लाना चाहते हैं, डायरेक्ट डिलीट हो जाए, तो आप यहां पे इसके ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। ओके क्या होगा इसका अलर्ट, डिस्प्ले अलर्ट जो है वो फॉल्स कर देगा। तो डायरेक्ट जहां पे डिलीट का कोड लगा ऊपर कोड जरूर लगा। अब बात करते हैं मूव। तो मूव दो तरह के हैं, एक तो कि मुझे इसको मूव करना है नई फाइल में, या मूव एंड कॉपी जो भी हो, कॉपी भी या मूव भी दोनों, न्यू फाइल में करना है, या किसी पर्टिकुलर फाइल में करना है, या फिर इसी फाइल के अंदर करना है। जैसे उठा के मैंने सीट को लिया और सबसे लास्ट में या इसकी कॉपी बना ली। चलिए उसके बारे में जानते हैं। जैसे सीट टू डॉट हमने मूव कर दिया, तो एक नई फाइल में मूव, एक नई फाइल ओपन करके इसको मूव कर दिया, एक नई फाइल ओपन करके इसको मूव कर देगा। लेकिन मुझे मूव करना है किसी पर्टिकुलर फाइल में, तो सीट टू डॉट मूव, तो मुझे उस फाइल का पूरा पाथ देना पड़ेगा कि वर्क बुक्स, और यहाँ पर बोल दिया कि बुक टू डॉट xlsx जो भी हो डॉट सीट्स, और सीट्स में आप सीट का नेम या सीक्वेंस नंबर दे सकते हैं, लेकिन वो वर्कबुक टू हमारा ओपन होना चाहिए। अगर वर्कबुक टू ओपन नहीं है तो फिर इससे पहले ऊपर ओपन का कोड आपको डालना पड़ेगा। क्लियर है? सीट में मूव करना है सीट टू, अगर आपको मूव करना है, मूव अगर मान लो आफ्टर करना है तो आफ्टर, और बिफोर करना है तो बिफोर, उस सीट का नेम आप सीट को जो नेमिंग मेथड मैंने बताया था उस नेमिंग मेथड के अकॉर्डिंग दे दीजिए। लास्ट में देना है तो हमने सीट्स डॉट काउंट लगा दिया। ठीक है सर? sheets dot move sheet two dot move after after sheets count sheets count किस position पे जो sheet है उसको count करेगा। जब तीन तीन है ना, तीन count करके चौथे चार add कर देगा, चार तो ये add कर देगा, comma count 3 ऐसे। ये इसमें मैं ऐसा कर सकते हैं जो चलेगा ना, तो इसके जगह पे 3 हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, ओके काउंट है चलने पे 3 हो जाएगा क्योंकि 3 सीट है। अगर 4 हुआ तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके ठीक है। अब मूव हो गया। अगर आपको कॉपी करना है तो सब कुछ सेम होगा, मूव की जगह हमारा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया। हम पासवर्ड डालते हैं तो यहां पर सीट टू डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में पासवर्ड डाल। उसके अलावा एक बहुत सारे और चीजें हैं ना, क्या है जब भी आप सीट प्रोटेक्ट करते हो तो बहुत सारे चेकबॉक्स आते हैं ना सर, अलाउ, तो किसको किसको अलाउ करना है वो उस पर आप टू फॉल्स दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे अलाउ सॉर्टिंग करना है तो मैं कॉमा लगाते चला जाऊंगा,
सॉरी यहां पे ट्रू, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने ये बताया था ऊपर वाला तरीका आफ्टर वाला ए, पहले देखें हमें पासवर्ड और फिर आएगा यहां पे अलाउ सॉर्टिंग, ये बोल लो देगा अलाउ सॉर्टिंग, बोलो क्या इस तरह से भी आप दे सकते हैं, ओके हाइड करना है तो सी टू डॉट हिडन, हिडन नहीं होगा इसमें, हिडन नहीं आता है, इसमें आता है विजुअल आता है, हिडन रो में आता है, विजुअल इक्वल टू और हमने बोल दिया सी हिडन, नॉर्मल हिडन करेगा जो कि हम बाहर से हिडन करते हैं, ठीक है, कोई भी इसको इजिली अनहाइड कर सकता है, लेकिन अगर कर दिया सी टू डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन तो अनहाइड करने के लिए आपको कोड चलाना होगा, नॉर्मल अनहाइड नहीं होगा, ये लाइन आपने लिख दिया तो वापस अनहाइड करने के लिए इसी इसी को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अदर प्रॉपर्टी में जाके मतलब प्रॉपर्टी में जाके भी विजुअल में आप सो विजुअल कर सकते हैं, ये तीन चीज होती है, ओके, लेकिन उसके लिए आपको वीबीए का एक्सेस चाहिए, अब बोलो वीबीए का एक्सेस चाहिए तो वीबीए को लॉक कैसे करेंगे, तो टूल्स में माइक्रो ऑफ यहाँ पे आपको वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज है उसमें जाए प्रोटेक्शन पे जाए लॉक और पासवर्ड डाल दो, ओके ठीक है, तो ये कोडिंग कोई भी नहीं देख सकेगा बिना पासवर्ड हमने अगर लो, लेकिन ये एप्लीकेबल कब होगा जब आप कोड डालने के बाद फाइल सेव करके भी ओपन करेंगे तब, ओके ठीक है, हमने सीट को सिलेक्ट किया, हमने सीट को ऐड किया, हमने रीनेम किया, हमने डिलीट किया, हमने मूव किया, हमने कॉपी किया, हमने प्रोटेक्ट किया, हमने हाइड अनहाइड किया, और कुछ तो नहीं करते सीट पे ना सर, इतना ही करते हैं, ओके मुझे कॉपी के बारे में पता, हाँ जो कॉपी किया है ना वो एक्चुअली कैसे वर्क करता है, शीट टू कॉपी किया हमने, ये क्या करता है यहाँ पे जाएगा राइट क्लिक करेगा मूव एंड कॉपी, दिख रहा है आपको सर, ओके आपको इसको मूव करना है तो क्रिएट कॉपी में क्लिक मत कीजिए, कॉपी करना, ओके तो वर्कशीट टू में जाके मुझे इसको ऐड करना है, डेटा के बाद ऐड करना है तो डेटा के बाद एक कॉपी हो जाएगा नया सीट, okay. नई वर्कबुक में करना है तो न्यू वर्कबुक से एक नया फाइल खोल के इसको ऐड कर देगा, ऐड कर दिया नया फाइल खोल के, ओके ओके ठीक है, इस कोड को एक बार एक करें, मैं कोड भेज देता हूँ, नहीं नहीं ये मेरा नहीं है ना, विजय देसाई 019, हाँ राइट, ये प्रैक्टिस कीजिए, कल हम इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, ओके ठीक है, कल सेम टाइम, ओके बाय, ओके।